हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि बाबा साहेब को संविधान बचाना है तो मोदी का वोट नहीं देना है। मोदी जी है मनोवादी है, मनोवादी का मतलब होता है अपने मन से काम करना, मनोवादी का मतलब होता है अपने मन से काम करना, वो मनमानी काम करता है। हेमंत सोरेन के जेल दे दिया, ये केजरीवाल को जेल दिया, मोदी जी तो ये देश विरोधी बन गया, संविधान को खत्म करने चाहता है। संविधान है तो लोकतंत्र एक एक का सही रहेगा, संविधान नहीं रहेगा तो ये लोकतंत्र नहीं जीवित बचेगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे कुछ नहीं। और जब इस धरती पर माननीय प्रधानमंत्री आए तो उस तमाम चीजों का नाम भी नहीं लिया जो 5 साल तक लोग जोगा के रखे हुए थे। इस बार हम लोगों ने दिनकर विश्वविद्यालय से लेके इन तमाम मुद्दों पर संघर्ष को विकसित करेंगे और जब तक बेगूसराय हासिल नहीं करेगा महागठबंधन के हमारे कोई साथी दम से नहीं बैठेंगे। हम संघर्ष करेंगे संसद से सड़क। कहने के लिए वो बुझाई देखता होगा, उनको अलग चश्मा होगा, लेकिन सच्चाई ये है किसी के भाषण से न वोट बिगड़ता है न संभलता है, काम से होता है। और हमारे माननीय लोगों ने अपना काम से बेगूसराय की जनता में गंदी छवि बना चुके हैं, इसलिए उसमें कुछ कहना नहीं है। हो गया बढ़ते चलेगा, बढ़ते चलेगा। भंडार का वो भोजन मिलता है उससे विज्ञान नहीं निकल सकता है। मंदिर का जगह अस्पताल बनाना चाहिए, विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, उससे न विद्वान निकलेगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर क्या बना रहे थे, स्कूल बना रहे थे, विश्वविद्यालय बना रहे थे, उससे विद्वान लोग निकलता है। पढ़ लिख के इंस्पेक्टर बनता है, कलेक्टर बनता है, DM बनता है, CM बनता है। तो विकास के रास्ता तो स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, वो चीज़ ने भी बनाना चाहिए मोदी जी के। मंदिर बना है, मंदिर से ब्रह्म बाबा घंटा डोलाने से क्या जनता को विकास बनेगा? विकास बनाइए, रोड बनाइए, सड़क बनाइए, विश्वविद्यालय बनाइए, हर युवा के नौकरी दीजिए, गरीब लोग के घर बनाइए, गरीब लोग के जमीन रहने का जगह नहीं है जमीन दीजिए, जोत का जमीन नहीं है जोत के जमीन दीजिए। हर घर में अन्न का जरूरी है, अन्न गुरु संसार चेला, हर घर में अन्न का जरूरी है, हर घर में पैसा का जरूरी है। पैसा से घर चलेगा, अन्न से घर चलेगा, बोली से खाली दे देगा 25 करोड़, 15 लाख हर खाता में कहाँ दे रहा है। मोदी जी तो ये देश विरोधी बन गया, संविधान को खत्म करने चाहता है। संविधान है तो लोकतंत्र एक एक का सही रहेगा, संविधान नहीं रहेगा तो ये लोकतंत्र नहीं जीवित बचेगा। तो हम लोग को संविधान के अनुसार चलना है। बाबा साहेब ने स्पष्ट किया लिया था कि हम लोकतंत्र को हक अधिकार दिला के रहेंगे और दिला के रहा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर में भारत का योगदान बहुत बड़ा भारत में दिया हुआ है। अगर ये देश चल रहा है तो संविधान से, कोई गीता कुरान से देश नहीं चलता है, देश चलता है संविधान से। हमने कसम खाया हम दारू नहीं पीते हैं, अभी दिखाते हैं संविधान हमने लेके चलते हैं बाबा साहेब के लिखा हुआ। ये जो संविधान है बाबा साहेब के, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान इनके पास है और आप इनका अध्ययन। हम इनका हम मानते हैं, हम किसी पखंडी के नहीं हम मानते हैं, मनोवादी को हम खिलाफ करते हैं, क्योंकि मनु का मनुस्मृति से देश चलता था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया और ये लोकतंत्र ये हिसाब से चलता है देश। देश चलना चाहिए संविधान से, ये किसी गीता पुराण से देश नहीं चलता है। बाबा साहेब को संविधान को पक्ष में सब लोकतंत्र के रहना है। और हम जनता मालिक से निवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि संविधान बचाना है तो मोदी का एक भी वोट नहीं देना है। संविधान को
संविधान को बचाना जरूरी है, ये लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। संविधान है तो एक एक लोकतंत्र जिंदा रहेगा, सबको हक अधिकार मिलेगा, यही संविधान अनुसार मिलेगा। कोई गीता पुराण से ये देश नहीं चलता है, देश चलता है तो संविधान को। और ये संविधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के दिया है, विश्व को संविधान चुन चुन के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था संविधान बनाने में। बाबा साहेब का इस संविधान बनाने में बहुत योगदान है, और बाबा साहेब का हर जवान पर वो होना चाहिए नाम भीमराव अम्बेडकर का। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने गरीब को लिए, पिछड़े के लिए, दबे कुचले लोग के लिए इतना संघर्ष किया कि बचपन में उसको पढ़ने नहीं देता था, जहाँ जूता चप्पल पहनता था खोलता था उस जगह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाया जाता था। और वही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भारत में ना शिक्षा लेकर के बाहर शिक्षा लेकर के 32 डिग्री हासिल करके भारत में आया और भारत को संविधान बनाने का काम किया। भारत में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को बहुत योगदान है, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को सभी लोग को हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि बाबा साहेब को संविधान बचाना है तो मोदी का वोट नहीं देना है। मोदी जी है मनोवादी है, मनोवादी का मतलब होता है अपने मन से काम करना, मनोवादी का मतलब होता है अपने मन से काम करना, वो मनमानी काम करता है। हेमंत सोरेन के जेल दे दिया, ये केजरीवाल को जेल दिया, ये सरासरी ADCD दे करके वो जो जेल भेजने का काम, यानी संविधान के विपक्ष में काम कर रहे हैं। जी हाँ, हम संविधान के मानते हैं, और संविधान को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, उसी संविधान को हम मानने वाले